अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इंफोटेक चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमिरेट्स ग्रुप की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जहां पे काफ़ी सारी वैकेंसीज के लिए यहां पे हायरिंग हो रही है। ये जो भी वैकेंसीज है ये एमिरेट्स की तरफ से अनाउंस की गई हैं, और जो आपका काम होगा वो एयरपोर्ट के ऊपर होगा, और डिफरेंट सेक्शंस के अंदर यहां पे जो जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए अभी हायरिंग हो रही है। रिसेंटली ही एमिरेट्स एयरलाइन ने ये अनाउंसमेंट किया जी कि एमिरेट्स एयरलाइन अभी डिफरेंट रोल्स के लिए अभी हायरिंग शुरू कर चुकी है, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ऑलमोस्ट लाइक 6000 के करीब जो भी स्टाफ है वो लोग हायर करेंगे यहां पे यूएई के अंदर और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। इसमें क्या है कि अभी जो रिसेंटली ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी पहले वो बिल्कुल इजी हो चुकी हैं, और आने वाले कुछ ही महीनों में जो भी पहले पेंडेमिक से पहले था जितने लोग भी यहां पे ट्रैवल करते थे ऑलमोस्ट लाइक उतने लोग ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे। एयरपोर्ट्स बिजी हैं, आप लोगों को भी मालूम है जो कि फेयर है जो कि अभी इंडिया से पाकिस्तान से या दूसरे कंट्री से है एयर टिकट के प्राइसेस वो काफ़ी हाई है। इसकी वजह क्या है कि अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोज का एक सबसे बड़ा रीज़न है, T20 वर्ल्ड कप रीज़न है, और अभी जो सीज़न आ चुका है विंटर सीज़न उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स बिजी है, जिसकी वजह से अभी ये सारी हायरिंग करना शुरू हो चुकी है। इसके बाद ये जो वैकेंसीज है उसमें उनको काफ़ी सारे एयरपोर्ट सर्विस एजेंट्स चाहिए जिनका काम होता है एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको असिस्ट करना, अगर किसी को कोई चीज़ मालूम नहीं है वो बताना, कुछ कॉल सेंटर एजेंट्स या कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट्स भी चाहिए, जिसमें जिस तरह आप लोग जब भी टिकट बुक करते हो और आपको उसकी कोई डेट चेंज करनी है, कन्फर्मेशन करनी है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, रेक्टिफिकेशन करनी है, तो आप लोग वहाँ पर कॉल करते हो। अभी मैं वन बाय वन आपको ये सारी वैकेंसीज बता देता हूँ, और उसके साथ ये भी बताऊँगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा वीडियो पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका होता हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो व्यूअर्स, इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए आपने emiratesgroupcareer.com पे आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूंगा, आप वहां से वन क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहां पे ऑल कंट्रीज को हटा के आपने सिर्फ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सिलेक्ट कर लेना है, और यहां से ऑल ब्रांड्स को हटा के आपने एमिरेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि आपको स्पेसिफिक सर्च मिलेगी, जैसे ही आप यहां पे एमिरेट्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करेंगे आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज यहां पे मिलेगी। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने किन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, अननेसेसरी सब वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं करें, सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें जहां पे आपके सिलेक्शन के चार्जेस हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे आपको नीचे एयरपोर्ट सर्विस एजेंट्स मिल जाएंगे, ये वैकेंसी आपने अप्लाई करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे एयरपोर्ट सर्विस एजेंट्स ये जो है ये सिर्फ यूएई नेशनल्स के लिए, आप जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने इसको क्लिक करना है। एक तो ये आपकी जॉब होगी एयरपोर्ट सर्विस एजेंट। एयरपोर्ट सर्विस एजेंट का काम होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको आपने असिस्ट करना होता है। आपकी सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैंने जैसे आपको बता दिया कि कोई भी जो भी कस्टमर्स हैं जो भी पैसेंजर्स हैं चेकिंग देयर प्रोफाइल, इसके अलावा उनकी कोई भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व करना, या फिर अपने सुपरवाइजर्स को बताना अगर आपके बस में नहीं है उसको हल करना, तो आप अपने सुपरवाइजर्स को बता सकते हैं। ये सारा कुछ है, और इसके लिए जो एजुकेशन है वो भी सिर्फ हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको इतनी ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो इंग्लिश है वो अच्छी आनी चाहिए। यहाँ पे आप ये सारा कुछ देख सकते हैं, और इसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली जो दूसरी जॉब है वो कॉन्टैक्ट सर्विस एजेंट की है। एक तो ये एयरपोर्ट सर्विस एजेंट है, और दूसरे जो जॉब है वो है कॉन्टैक्ट सर्विस, लाइक जिस तरह कोई भी कॉन्टैक्ट सेंटर में आपको कॉल करते हैं जो पैसेंजर्स होते हैं वो अपनी टिकट कंफर्मेशन के लिए, बुकिंग के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए जब वो कॉल करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट सर्विस एजेंट्स ही होते हैं जो कि फ़ोन के ऊपर उनको सारी असिस्टेंस देते हैं। ये भी सारा कुछ आपने यहाँ पर सारा देख लेना है, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कुछ आपने पढ़ लेनी है, और इस जॉब के लिए भी आपको इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहां पे अगर आपके पास कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर का एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके चांसेस ज्यादा हैं। आप यहां से डायरेक्टली जो भी आपने जॉब अप्लाई करनी है उसको आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे आपने ये प्राइवेसी जो भी एग्रीमेंट है उसको कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है, और इसके बाद आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आपने इसको शुरू कर देना है। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड बना हुआ है तो आप तो लॉग इन करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो आपने यहां से न्यू यूज़र करके अपना पहले प्रोफाइल बना लेनी है, जहां पे आपने अपनी सारी बायोडाटा देना है, नाम,
आपकी CV अपडेट करनी है, आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन कितनी है, वो सारा कुछ करके आपने रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक फुल डिटेल दी हुई थी कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देखना है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, उससे आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। व्यूअर्स, एट द मोमेंट जैसा मैंने आपको बताया, आप एयरपोर्ट सर्विस एजेंट के लिए या फिर आप कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केबिन क्रू की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया ज़्यादा होता है। अगर आप इन दोनों वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं अभी ज़्यादा होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देख लिया, ये सारी वैकेंसीज़ थी और इनके लिए अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन के कैरियर वेबसाइट के ऊपर जाना है और सब चीज़ों के जितनी भी डिटेल लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही आप उनके क्राइटेरिया पर आते हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो वो आपको इंटरव्यू की कॉल करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।